नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन विजन चैनल में। दोस्तों, आज जो हम मेडिसिन विजन चैनल पे एक ऐसी दवाई लेके आए हैं जो एक फंगल डेरिवेटिव है, जो कि फूने से बनाई गई है। इसका नाम है विटाजाइम ड्रॉप। ये 15 ml की बोतल है दोस्तों, और ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल वर्क लिमिटेड कंपनी ने, जो कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, उसने ये बनाई है। इसकी कुल कीमत है 67 रुपये या 67 रुपया, और एक साल का टाइम एक्सपायरी ड्यूरेशन रहता है। दोस्तों, ये दवाई किस काम में आती है, इसकी जानकारी हम देने वाले हैं दोस्तों। लेकिन आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कंजूसी ना करें सब्सक्राइब करने को, और साथ ही में पास दिए बेल नोटिफिकेशन बटन को भी दबाएं, जो कि जिसकी वजह से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो जो भी दवाई के रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, आज चालू करते हैं। जो ये दवाई है दोस्तों, ये विटाजाइम ड्रॉप्स नाम से मार्केट में मिलती है। इसका उपयोग क्या है ये बताने से पहले इसका जो मेन कंटेंट है वो मैं बता देने वाला हूँ। ये दोस्तों, ये डाइजेस्ट करके है, जो कि छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए और बड़े लोगों के लिए भी ये उपयोग में लाई जा सकती है दवाई। इसका जो मेन कंटेंट है ये एस्परजिलस ओरिया है, ये एक फूने है दोस्तों, जिसकी वजह से ये फंगल डेरिवेटिव रहता है, उसकी आप ये दवाई यूज कर सकते हैं। उसमें कार्डमम है, इलची है, लौंग है, इसका ऑयल दिया है, और सिनोमेन, कैरवे, इनका सब बेस है, और फ्लेवर सब्स्टिट्यूट है इसमें। दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है ये बता देता हूँ। दोस्तों, जो भी छोटे बच्चे रहते हैं वो खाने में कंजूसी करते हैं या रोते हैं खाते समय, कहते हैं कि मेरा पेट भर गया है, तो थोड़ा खा के भी उनका पेट भर जाता है, या फिर वो खाने में मतलब जो भी खाते हैं वो पचता नहीं है, उल्टी हो जाती है, तो उस समय आप ये दवाई दे सकते हैं दोस्तों। ये विटाजाइम ड्रॉप, इसका मेन उपयोग क्या है, ये एक साइड में एक बॉक्स में दिया है, क्रॉनिक डायरिया, फर्मेंटेटिव डिस्पेप्सिया, एब्डोमिनल इंडाइजेशन या पेन रहता है, और वोमिटिंग, इसमें आप ये दे सकते हैं। और जिनका पुअर एपेटाइट रहता है, पचन कम रहता है, या उल्टी मरमल जैसे रहती है छोटे बच्चों के लिए, तो आप ये दे सकते हैं। इसकी वजह से क्या होने वाला है दोस्तों, जो छोटे बच्चे रहते हैं वो जो भी खाएंगे वो पच जाएगा आराम से, मतलब उनको उल्टी मलमल नहीं हो जाएगी। ये जो बेसिक जो प्रॉपर्टी रहती है, जो हमारे अतड़ियाँ रहती है उस पर जो मेद या वसा रहती है उनकी लेयर बढ़ जाती है, तो इसको कम करने का काम ये करने वाला है विटाजाइम ड्रॉप। और साथ ही में जो पेक्टिन या जो शुगर के डेरिवेटिव रहते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम भी ये करने वाला है, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन टाइम रहता है वो कम हो जाएगा अतड़ियों का, और जो भी बच्चे खाएंगे उसका मिनरल्स, विटामिन सब भी अतड़ियाँ एब्सॉर्ब कर लेगी। ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है, तो उसकी वजह से वो सिर्फ बच्चों पे ही बोलते हैं कि बच्चा खाता नहीं, लेकिन उससे बच्चों के अंदर की क्या प्रॉब्लम रहती है वो पता नहीं रहता है। अगर ये आप विटाजाइम ड्रॉप आप और बच्चों को देते हैं डेली, जो छोटे बच्चे रहते हैं एक साल से कम रहते हैं उन्हें 0.5 ml देना है सुबह, और जो 1 साल से बड़े रहते हैं उनको 1 ml सुबह दे सकते हैं या 0.5 ml पूरे दिन में दे सकते हैं, मतलब 1 ml ही देना है लेकिन 0.5-0.5 करके आपको देना है। दोस्तों, ये बड़े आदमी भी ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। आप बच्चों को खाना खाने के लिए और जो खाया है वो पचाने के लिए ये दवाई बहुत ही अच्छी है, इससे बच्चों की उल्टी मलमली कम हो जाएगी, डायरिया भी होगा वो भी कम हो जाएगा, सभी प्रकार के प्रॉब्लम जो रहते हैं बच्चों के वो कम होने वाले हैं। दोस्तों, इस दवाई के लिए बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।